कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता एवं सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेसियों के द्वारा जंगी प्रदर्शन करते हुए भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महेंद्र भवन चौक में धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हुई झूमाझटकी में पुतले के चिथड़े हो गए और 5 कांग्रेसी आग में झुलस गए, जिनमें यूथ कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय तिवारी, यूथ कांग्रेस नेता सौरभ पटेरिया, पार्षद दल के नेता रेहान मोहम्मद और अरविंद राय शामिल हैं। हालांकि किसी तरह फायर सिस्टम से आग पर काबू पाया गया। इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान महेंद्र भवन चौक से अजयगढ़ चौक तक घंटों हंगामा चलता रहा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। रेहान चाचा की पाँव को बना ले आज मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के आह्वान पर आज पन्ना जिला युवा कांग्रेस ने पन्ना में जो राहुल गांधी जी की गैर लोकतंत्रात्मक तरीके से सदस्यता रद्द की गई है लोकसभा से, उसके विरोध में और जो अमित शाह रंगा बिल्ला के द्वारा ये तानाशाही की जा रही है, इस तानाशाही पूर्ण रवैये के विरोध में आज यूथ कांग्रेस पन्ना ने नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है और इनको चेता है। और आगे आने वाली 27 तारीख को यूथ कांग्रेस से सैकड़ों लोग दिल्ली में जाकर शामिल हो रहे हैं। वहां पर यूथ कांग्रेस संसद का घेराव कर रही है और ऐसे ही इनकी तानाशाही को हम खत्म करने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कुछ लोगों को इस प्रदर्शन में चोटें भी आई हैं, आपको भी चोट आई है? मुझे चोट आई है, हमारे साथी वरिष्ठ कांग्रेसी रेहान मोहम्मद जी, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सौरभ पटेरिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष अक्षय तिवारी जी, अरविंद राय जी जो कि हमारे जिला महासचिव हैं, उन सारे लोगों को चोटें आई हैं और सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं अभी। क्या नाम है आपका? स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पन्ना।